My name is Anisha and welcome back to my channel. So guys, आज के वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं ये. Okay, so this is a DIY lips pouch and ये मैंने बनाया है ऐसे चुटकियों में. जी हाँ, और मेरी तरह आप भी इसे बना सकते हैं ऐसे चुटकियों में. It is because कि ये ना बहुत ज़्यादा easy है and it is very fun to make. जी, इसे बनाने में सचमुच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जब ये बन जाएगा ना, एंड तब आप इसे अपने यू नो ड्रेसिंग टेबल पे रखेंगे या फिर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ किसी वेकेशन पे जाएंगे, तब आप इसे साथ में लेके जाएंगे एंड इसमें से यू नो आप निकाल के अपना मेकअप करेंगे, तब हर कोई आपसे पूछने वाला है कि ये वाला पाउच आपने कहाँ से लिया. तब आप उन्हें स्टाइल मार मार के बता सकते हैं कि आपने खुद DIY किया है. सो आइए मिल के बनाते हैं DIY लिप्स पाउच. लिप्स पाउच बनाने के लिए आपको चाहिए फैब्रिक. मैंने वेलवेट वाला फैब्रिक यूज़ किया है. देन स्केल, पेंसिल, ज़िपर. ये मीटर वाइज ज़िपर रहती है एंड इसी के साथ ही साथ ये जो रनर है ये भी आपको मिल जाएगा. ये दोनों आपको किसी भी टेलरिंग शॉप में मिल जाएंगे. A4 साइज शीट, सिजर्स एंड चॉक. पाउच बनाने से पहले हम स्टेंसिल प्रिपेयर करेंगे. तो उसके लिए A4 साइज शीट को हम मिडल से ऐसे फोल्ड करेंगे. ये वाला फोल्डेड साइड है एंड ये वाला ओपन साइड है. इसके बाद हम इसे फिर से एक बार मिडल से फोल्ड करेंगे ताकि हमें सेंटर लाइन मिल जाए. अभी ये मार्किंग पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. अभी हम इसमें मार्किंग करेंगे. सो मुझे इसकी हाइट 7 इंचेस चाहिए. सो मैं दोनों साइड्स में 3.5 इंच मार्क करूँगी. ये मार्किंग को थोड़ा डार्क कर लेंगे एंड देन यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है, सो ये पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे. ये वाला लिप्स का नीचे वाला साइड है, सो नीचे से इसमें ऐसे कर्व रहेगा. सेम हम ऊपर की भी मार्किंग करेंगे और ऊपर भी हम इसे कर्व देंगे. मार्किंग होने के बाद अब हम इसे कट करेंगे. लिप्स का स्टेंसिल हमने प्रिपेयर कर लिया है. अभी हम इसे फैब्रिक पे रखेंगे. सो सबसे पहले हम फैब्रिक को बीच में से ऐसे फोल्ड करेंगे एंड देन हमारा जो स्टेंसिल है उसे हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे एंड फिर चॉक की हेल्प से इसे ऐसे मार्क कर लेंगे. मार्किंग कंप्लीट होने के बाद अब हम इसे कट करेंगे. कटिंग होने के बाद हमारे पास अभी दो पीसेस हैं, दोनों को अलग कर देंगे. इसमें से एक फ्रंट वाला है और एक बैक वाला है. सो ये वाला जो बैक वाला पीस है इसे हम साइड रख देंगे एंड जो फ्रंट वाला पीस है इसमें ज़िपर अटैच होगा. सो इसमें हम ऐसे मिडल से लाइन बनाएंगे एंड इसे कट कर लेंगे. हमने इसे बिल्कुल सेंटर से कट कर दिया है एंड अभी हम इसमें ज़िप अटैच करेंगे. सो ज़िप हम लेंगे एंड इसके बाद हम इसे जो फैब्रिक का जो नीचे वाला साइड है उस पर ऐसे रखेंगे. याद रखिएगा कि जो ज़िपर का जो राइट साइड है वो फैब्रिक के राइट साइड के ऊपर हो एंड देन ये वाला जो साइड है यहाँ पे हम इसे स्टिच कर देंगे. हमने इसे स्टिच कर दिया है एंड अभी जो ऊपर वाला जो फैब्रिक है वो हम लेंगे
एंड उसे भी हम ऐसे ही स्टिच कर देंगे। जिपर को इसके ऊपर उठा के ऐसे रखेंगे एंड देन यहाँ से इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है दोनों भी साइड से एंड अभी ये वाला जो साइड है यहाँ से हम रना इंसर्ट करेंगे। सो ये बहुत इजी होता है इंसर्ट करना, बस इसे ऐसे जिपर को ऐसे हमें ओपन करना है एंड रनर के दोनों साइड से जिप को इंसर्ट कर देना है। लेफ्ट टू राइट हम इसे इंसर्ट करें। रनर इंसर्ट होने के बाद अभी ये वाला जो बैक पीस है इसका, इसे हम इसमें अटैच करेंगे। सो बैक वाला पीस हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। सो दोनों का जो राइट साइड है वो एक दूसरे की तरफ फेस रहेगा एंड देन अभी हम इसमें स्टिच कर देंगे। सो यहाँ से हम इसमें स्टिच करना स्टार्ट करेंगे एंड फिर ये वाले पॉइंट पे एंड कर देंगे। बैक पीस स्टिच होने के बाद अभी हम इसे फ्लिप करेंगे एंड बैक साइड से भी चेक कर लेंगे। देखिए कॉर्नर्स बिल्कुल अच्छे से आए हैं एंड ये वाला जो एक्स्ट्रा जिपर है इसे कट कर लेंगे। कट होने के बाद ये जिपर को हम इसे ओपन करेंगे एंड इसे राइट साइड पे फ्लिप कर देंगे। एंड हमारा लिप्स पाउच रेडी। That was it for the video, guys. I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है so please इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। Also guys, अगर आप ये DIY पाउच बनाते हैं so इसका इमेज मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिएगा, मैं इसे जरूर अपनी स्टोरीज में रीशेयर करूंगी। Also guys, do subscribe to my channel and I'll see you guys next time. Till then, bye.